नमस्कार, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। और एक बच्चे ने जो है हमसे पूछा है, क्वेरी डाली है अपनी कि सर कैमास वर्ध पर जो है प्रश्न आएगा, कैमास वर्ध का सौंदर्य जो है चित्रण या कैमास वर्ध का काव्य सौंदर्य, तो उस पर जो है बात की जाए। तो मैंने काफ़ी क्लास उस पर अपनी वीडियो डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अच्छा सवाल है, चलो इस पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं संस्कृत। तो जैसा कि जैसे बीए फर्स्ट ईयर के तो बच्चों को यह मैंने बताया था पिछले वर्ष, और आप तो चूंकि एमए के हैं इसलिए कभी बात नहीं हो पाई। तो प्रश्न चाहे कोई भी हो, जैसे अपना ये छठा पेपर है प्राचीन काव्य और मध्यकालीन काव्य का, तो इसमें कबीर तुलसी और अपने विद्यापति ये सॉरी अपने चंद बरदाई और ये कवि हैं, तो इन पर एक एक बड़ा प्रश्न तो हमेशा आता है, ठीक है ना। और छोटे प्रश्न आते हैं और फिर व्याख्या आती है, ये तीन तरह के प्रश्न होते हैं। तो छोटे प्रश्नों का तो आपको सीधा उत्तर लिखना है दो पंक्तियों में, तीन पंक्तियों में, और वो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं जिनके अंदर फैक्ट की आवश्यकता होती है। अगर आपको वो आता है तो आप सीधा लिख दोगे कि भाई जो है तुलसीदास की कोई दो रचनाओं के नाम बताओ, तो आप कोई भी दो रचनाओं के नाम आपको याद होंगे तो लिखोगे, नहीं तो इधर आता है या नहीं आता है उसमें और कुछ भी नहीं होता। व्याख्या करने का ढंग आपको पता ही है वैसे भी, उस पर भी हम और आगे बात करेंगे जब हम कबीर दास को पढ़ेंगे तब। और जो अभी जो आपने प्रश्न पूछा, तो कैमास वध का काव्य सौंदर्य या कैमास वध पर जो है क्या प्रश्न बनते हैं, तो पिछले कुछ एक वर्षों में जो कैमास वध पर सवाल पूछा गया, पर्टिकुलर कैमास वध पर, अदरवाइज तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता या पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कैमास वध पर दो तरह के प्रश्न पूछे गए। एक तो यही कि कैमास वध के काव्य सौंदर्य की बात कीजिए, एक ये आया कि कैमास वध में जो पृथ्वीराज चौहान का चरित्र है उस पर आप जो है प्रश्न उसका उत्तर लिखिए, और एक बार इस तरह से भी आया कि कैमास वध में कैमास और पृथ्वीराज जो है दोनों के चरित्र को लेकर आप क्या आशय है। ये जो भी आए वो आप अगर मूल पुस्तक आप माता प्रसाद गुप्त जी की खरीद कर रख लेते हैं, पतली सी पुस्तक है, ज़्यादा पेज भी नहीं है, तो आप कोई भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप दे पाएंगे और हमारा वीडियो जो है वो आप देख कर। तो ये जो प्रश्न है इसको करने का बेसिक ढंग है, सबसे पहले तो आपको बड़े सवाल की बात मैं कर रहा हूँ जो निबंधात्मक आता है, कि आपको शुरू में तीन चार पंक्तियों में तो हमेशा कोई भी हो, चाहे कबीर हो, चाहे बिहारी हो, चाहे घनानंद हो, चाहे कोई कवि हो, चाहे आपका आधुनिक कवि हो, चाहे कोई जब भी कवि रचनाकारों की बात आती है, तो हमेशा तीन चार पंक्तियों में शुरुआत में आप कवि परिचय दीजिए, उस रचनाकार के बारे में लिखिए कि साहब हाँ कवि चंद बरदाई जो है हमारे आदिकाल के सबसे बड़े कवि हैं और महाकाव्यकार हैं, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों बहुत गहरे मित्र थे, जन्म और मरण ऐसी किंवदंती है, दोनों की साथ हुई थी, और कवि चंद्र बरदाई जो है आदिकाल के जो हमारी रासो काव्य ग्रंथ परंपरा है उसके सबसे बड़े कवि हैं। और भी लोगों ने रासो काव्य लिखा है, लेकिन रासो काव्य में जो सबसे बड़े कवि के रूप में चर्चा होती है तो वो चंद बरदाई की होती है, और जो है चंद बरदाई का ग्रंथ की विशालता ये है, और कहते हैं कि उन्होंने बाद में अपने पुत्र को जो है वो ग्रंथ दे दिया था कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से तीन चार पंक्ति में ज़्यादा नहीं जाना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसकी पूरी जीवन को आप लेके बैठ जाओ, वो नहीं, आपको सिर्फ चार या पाँच पंक्तियों में कबीर हो या किसी पर सवाल आए। अगर अब हम गद्य की बात करें तो कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी पर सवाल आ रहा है आपका, बड़ा सवाल की बात कर रहा हूँ, दो नंबर में ये परिचय देने नहीं बैठना है आपको, दो नंबर के छोटे सवालों में ये लिखने बैठोगे तो बिल्कुल उसका तो उत्तर ही केवल तीन पंक्तियों में होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। मैं बच्चों की कॉपी कई बार देखता हूँ तो दो नंबर के प्रश्न में भी बच्चे एक एक पेज भर रहे हैं, अरे एक पेज को तो वहाँ लिखना ही नहीं है, आधा पेज भी नहीं लिखना है, वो तो फैक्चुअल सवाल है, तथ्यात्मक सवाल है, उनको आपको दो अधिकतम तीन या साढ़े तीन लाइनों में आपको खत्म करना है, इससे ज़्यादा का काम ही नहीं है वहाँ। तो इस तरह से आप कोई भी रचनाकार है, चाहे अगर आप उपन्यास और आप कथा साहित्य में लो, तब ओम प्रकाश जी वाल्मीकि पे अगर झूठन है आपका और बहुत बड़ा सवाल आता है उस पर निबंधात्मक आता है, तो उसके करने का ढंग ही यही है किसी भी कवि रचनाकार के इतिहास के सवाल को छोड़कर, भाषा विज्ञान छोड़कर, कि पहली चार पाँच पंक्तियों में आप रचनाकार का परिचय दीजिए। जन्म मृत्यु कोई जरूरी नहीं है देना, उसका याद रखना,
बस आप उसको इतना बता दीजिए कि किस काल का कवि था, क्या उसकी कविता की मुख्य विशेषताएं थी और क्या जो है वो अपनी कविता के द्वारा मुख्य रूप से कहना चाह रहा था। जैसे कि तुलसीदास की कविता मुख्य रूप से राम भक्ति के द्वारा समाज में एक मर्यादा, एक लोक मंगल और एक लोक मर्यादा स्थापित करना चाह रहे थे। ये उनके काव्य का मूल मोटिव है। कबीर जो थे वो सामाजिक जो हमारे यहाँ ऊंच नीचे या सामाजिक जो हमारे यहाँ भेदभाव है उसको समाप्त करना चाह रहे थे, जो हमारे जन्म से हमारे साथ चलता है और जो मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। तो कबीर उसी को जो है खत्म मिटाना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि एक व्यक्ति के रूप में जो है एक व्यक्ति मात्र की जो है वह हम जो है सम्मान करें, ना कि उसके जन्म वर्ण धर्म या किसी और तरीके से। तो इस तरह से हर कवि की एक मूल बात होती है, उसको आप कवि परिचय में, रचनाकार परिचय में पहले 4-5 पंक्तियों में उसकी रचनाएं, किस काल का कवि है वो और जो है वो लिखे। तो जैसे कैमास वध पर प्रश्न आता है या पृथ्वीराज रासो पर आता है, दो कोई भी आए बड़े सवाल में आपको 4-5 पंक्तियों में पहले तो चंद बरदाई के बारे में लिखना है। फिर आप 2-3-4 पंक्तियों में, ज़्यादा भी कर सकते हो आप, पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कीजिए। भले ही सवाल कैमास वध का आया हो, आपको जो है प्रश्न जो है उसमें पृथ्वीराज रासो की भी चर्चा करनी है, क्योंकि कैमास वध हमारा इतना छोटा अंश है कि उसको लेकर हम 5 पेज भरना मुश्किल रहता है, आप 4-5 पेज उसको लेकर नहीं कर पाएंगे। तो आप, और वैसे भी आपको बनता है कि चूंकि वो एक ग्रंथ विशेष का खंड है, तो आप जो है 4-5 पंक्तियों में पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके बारे में लिखिए कि ये कहानी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जो अजमेर के शासक थे और संयोगिता और तमाम उन सबकी जयचंद, और इसमें चंद खुद एक पात्र के रूप में है। ऐसा 3-4 पंक्तियों में आप लिख लीजिए, फिर आप जो है मूल सवाल पर आ जाइए, वो चाहे पृथ्वीराज चौहान का चरित्र हो, चाहे कैमास का चरित्र हो, या उसके काव्यगत सौंदर्य हो। तो काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दो अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। आप फर्स्ट ईयर से, आप जब से हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, ये हमारे करने का ढंग यही है। कला पक्ष में छंद अलंकार और भाषा हो जाती है और भाव पक्ष में जो है विचार और अनुभूति आ जाती है। तो इसमें अंदर जो है कैमास और पृथ्वीराज चौहान का चरित्र है, तो उसके अंदर जो है वह कवि की मूल भावनाएँ हैं कि कैमास जैसा भी प्रबल प्रतापी जो सामंत है वह विलासिता के गर्त में जब जाता है तो उसकी एक गलती भी माफ नहीं होती और पृथ्वीराज चौहान के हाथों उसकी मृत्यु होती है। आगे चंद बरदाई भी पृथ्वीराज चौहान को याद दिलाता है, जब वो संयोगिता के साथ जब होते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं वो, तब चंद बरदाई भी उनको वार्निंग देते हैं कि जिस कारण से तुमने कैमास को मारा था, जिस विलासिता और जिस विलास के कारण अगर तुम्हारी भी गति ऐसी होती है और तुम भी आज उसी में उलझे पड़े हो, तो सोच लो सामने दुश्मन खड़ा है और अगर हम उस को नज़रअंदाज करेंगे तो हमारी गति भी कैसी होगी। ये उस समय के कवि थे, वो किसी बड़े बड़े से आदमी को भी जो है वो कर देते थे। तो फिर आप जो है विचार पक्ष भाव पक्ष में उनके बारे में चरित्र चित्रण आ जाएगा उनका, कि भाई कैमास एक सामंत थे जो पृथ्वीराज के बहुत विश्वस्त थे, प्रधान आमत्य थे वो, और उनके जो है उनकी महिमा का जो है वर्णन कई लोगों ने किया है। और फिर आप पृथ्वीराज चौहान का जो है चरित्र चित्रण कर दीजिए कि एक बहुत ही युवा और जो है प्रबल शासक थे और जिन्होंने किंवदंती के अनुसार इतनी बार जो है उनको हराया था और जो है बड़े वीर और हर तरह से रणकुशल और वैसे थे। ये चरित्र चित्रण और ये जो है, और वैचारिक रूप से जो है वो सब कुछ जो है अच्छा था कैमास में, लेकिन एक वो जो ऐसी गलती करते हैं तो वो बख्शते नहीं है। तो इस तरह से ये जो है कविता का भाव पक्ष हो जाएगा। फिर कला पक्ष में आपको भाषा, छंद और अलंकार पर लिखना है। आप इसमें रस के बारे में भी लिख सकते हैं भाव पक्ष में, कि भाई जो है ये जो है वीर रस और श्रृंगार रस की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। और कैमास वध जो हमारा संदर्भ जो दिया हुआ है उसमें ज़्यादातर जो है वह शांत रस और वीर रस ही है, चूँकि वो उसकी पत्नी का विलाप बाद में आ जाता है और पत्नी के द्वारा जो अपने पति का शव और मांगा गया है, तो एक तरह से जो है वो करुण और वो जो भावनाएं वहाँ पर ज़्यादा है। चंद बरदाई के द्वारा भी बात जो की गई है, तो इस तरह से आप जो है इस प्रश्न को आप अटेंड कर सकते हैं।
यानी कैमास वध पर जो कुछ प्रश्न बनेंगे उसमें यही और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखिए, दो तीन पंक्तियों में जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑलवेज आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप आराम से तसल्ली से पहले प्रश्न पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है, फिर आप लिखना शुरू कीजिए। हम ये देखते हैं कि बच्चा प्रश्न बिना पढ़े पढ़े वो एकदम रोबोट की तरह शुरू हो जाता है। अरे भैया तू पढ़ तो सही पहले, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है वो कबीर की सामाजिक चेतना पर, और आप उस पर कबीर की जो है भाषा लिख रहे हो। प्रश्न पूछा जा रहा है कबीर की भाषा संबंधी चिंतन पर, आप जो है सामाजिक चेतना लिख रहे हो। वो रटा रटाया है वो नहीं, प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है। उसी हिसाब से जो आपके पास मैटर उपलब्ध है उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा उसको जो है थोड़ा रिफाइंड करके उसको पेश करना, यही एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से आप कैमास वध के इस प्रश्न को जो है आप, या कोई भी प्रश्न आता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान का चरित्र चित्रण, तो ऐसा चरित्र चित्रण है, ये प्रतापी शासक है, राजा है, लेकिन अपने ही सामंत की जो है, और ये बड़ी बात होती है। आजकल तो जो है हम अपनों को ही बचाने में लग जाते हैं। आजकल तो हम अपने कितनी गलती करते हैं तो हम तो उसको नज़रअंदाज किया, पूरा चादर ही उड़ा देते हैं। फिर ऐसे समय में ऐसा राजा होना कि जो नई गलती की है तो उसकी सजा उसको मृत्युदंड से देता है, ये शासन और ये जो है राजकाज होता था, इस तरह से होता था। तब कोई दूसरा कभी हिम्मत नहीं करता था वैसा कार्य करने की, तो और दूसरी तरफ वो खुद भी गलत होता है आगे चल के। तो इस तरह से जो है, और कैमास जो है बहुत अच्छा सामंत था, बहुत अच्छा रणकुशल, बहुत अच्छा योद्धा था वो था, लेकिन उसने अपने जीवन में यहाँ पर आकर एक गलती कर दी। तो इस तरह से आप जो है इस कैमास वध के वैचारिक और भावात्मक पक्ष को भी, और उसमें भावात्मक पक्ष में उसकी पत्नी का भी वो आएगा कि भाई उसको इतना अधिकार है, राइट्स है उसके पास, भले ही उसके पति ने कुछ किया लेकिन उसको राइट है कि वो अपनी अपने जो है पति का जो है वो शव उसको मिले, उसके जो है वो करे। तो इस तरह से जो है आप इस प्रश्न को, अगर आप उसकी कहानी को समझ लोगे तो आप जो है प्रश्न को कर लोगे। और साथ ही ये भी है कि एक दो तीन उदाहरण हर प्रश्न के अंदर आपको कविता के देने चाहिए। ये पेपर कविता का है, जैनेन्द्र वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो गद्य का है, कहानी है उसमें निबंध है और उपन्यास है, तो वहाँ पर गद्य के उदाहरण, बिना बड़े सवाल में उदाहरण के आपके प्रश्न की उत्तर की बहुत अच्छी वैल्यू नहीं होती। वो राम कहानी जैसा उदाहरण आप याद करके आते हो तो परीक्षक को लगता है कि बच्चा मेहनत करके आया है, इसको पृथ्वीराज रासो की कविता याद है, इसको जो है जैनेन्द्र के कोटेशन याद है, और अंत में आप निष्कर्ष देकर वो उस प्रश्न को जो है आप पूरा कर दीजिए। और अगर आपको उस अंश के संबंध में किसी विद्वान का कोई कथन याद आता है, चाहे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, या कबीर के बारे में किसी का कथन याद आता है, तो अगर उस प्रश्न से संबंधित वो कोटेशन है तो उसको लिखकर आप अपनी बात खत्म कीजिए। तो जो आपने मेरे से सवाल पूछा था, मुझे लगता है आज मैंने उसको जो है उसको बताने की कोशिश की है। और भी आपको कोई प्रश्न हो मन में तो बेझिझक मुझसे पूछे कभी, और भी हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।